नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे। आने वाली 2 तारीख यानी 2 सितंबर को गणेश चतुर्थी है। अगर आप अपने घर में भगवान गणेश की स्थापना करना चाहते हैं या कलश की स्थापना करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, ताकि आपको भगवान गणेश की स्थापना और कलश की स्थापना करने का शुभ मुहूर्त और विधि का पता चल सके। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसे कि आपको पता है कि भादु मास की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, स्वाति नक्षत्र और सिंह लग्न में भगवान गणेश का प्राकट्य हुआ था, यानी भगवान गणेश प्रकट हुए थे। इसीलिए इस चतुर्थी को महाचतुर्थी भी कहा जाता है और कहीं कहीं इसे कलंक चतुर्थी या डंडा चवत के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अब ये जान लेते हैं कि किस धातु की मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी विशेष प्रकार की धातु को आपको स्थापित करना है। आपकी श्रद्धा और शक्ति के अनुसार आप चाहे तो सोने की, चांदी की, तांबा, पीतल या फिर पंचधातु, अष्ट धातु या मिट्टी, किसी की भी मूर्ति बनाकर या मूर्ति लाकर आप भगवान गणेश की स्थापना कर सकते हो। चलिए अब ये जानते हैं कि गणेश भगवान की स्थापना या कलश की स्थापना किस प्रकार से करनी चाहिए, यानी विधि क्या है इसकी। इसके लिए आप सुबह नहा धोकर साफ व पीले वस्त्र धारण यानी पीले कपड़े पहनकर आप भगवान गणेश की प्रतिमा लेकर आएँ। फिर एक चौकी पर लाल कपड़ा बिछा दें और उस पर स्वास्तिक बना दें। फिर उस स्वास्तिक पर भगवान गणेश की प्रतिमा को स्थापित कर दें। अगर संभव हो तो प्रतिमा का जो मुंह है यानी प्रतिमा को आप पश्चिम मुखी रखें। फिर उस चौकी पर एक तरफ कलश और दूसरी तरफ दीपक रखें, लेकिन ये ध्यान रखें कि कलश और दीपक के नीचे या तो आप गेहूं रख दें या फिर आप चावल रख दें। फिर भगवान गणेश का हल्दी, चंदन और सिंदूर से उनका विधिवत पूजा करें। तो ये तो हो गई पूजा विधि या स्थापना विधि। अब हम जानते हैं कि इसके शुभ मुहूर्त क्या है, स्थापना करने के शुभ मुहूर्त क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको 5 मुहूर्त बता रहा हूँ। उस 5 मुहूर्त में जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको सुटेबल लगे, उस समय आप भगवान गणेश की और कलश की स्थापना कर सकते हो। पहला मुहूर्त आपको सुबह 6 बजे से सुबह 7:30 बजे तक का है। दूसरा मुहूर्त 9 बजे, सुबह 9 बजे से सुबह 10:30 बजे तक का है। तीसरा मुहूर्त 11 बजे से 1:30 बजे तक, यानी सुबह 11 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक है। चौथा मुहूर्त शाम को 6 बजे से शाम को 7:30 बजे तक है। और पांचवा मुहूर्त आप रात्रि 10:30 बजे से मध्य रात्रि 12 बजे तक भी भगवान गणेश की या कलश की स्थापना कर सकते हो। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि भगवान गणेश की जो पूजा होती है और उनका प्रागट्य भी दोपहर को ही हुआ था, इसलिए अगर आप 11 बजे से 1:30 बजे का जो मुहूर्त है, और इसी को अभिजीत मुहूर्त भी कहा जाता है, अगर आप उस मुहूर्त में भगवान गणेश की स्थापना करते हो तो वो सबसे उत्तम माना जाएगा। ये तो हो गई मुहूर्त की बात। अब मैं आपको एक बहुत ही चमत्कारी प्रयोग बताता हूँ जो इन 10 दिनों में आप कर सकते हो। वो प्रयोग के थ्रू आप विद्या की प्राप्ति कर सकते हो और मनोकामना पूर्ति भी कर सकते हो। आपको करना क्या है कि पूरे 10 दिन तक, यानी कि चतुर्थी से चतुर्दशी तक, यानी जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ से अंत तक, आपको करना क्या है कि 21 दुर्वा लेना है। दुर्वा के छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो वो घास टाइप का जो आपने देखा होगा, तो 21 दुर्वा लेना है और 21 ही लड्डू लेना है। 21 लड्डू और 21 दुर्वा भगवान गणेश को अर्पित करना है आपको पूरे 10 दिन तक। अगर आप ऐसा करते हैं बिना नागा किए, यानी बिना कोई गैप किए, अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको विद्या की भी प्राप्ति होगी और आपको साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। विशेषकर मैं सारे स्टूडेंट को बताना चाहता हूँ कि उन लोग को ये प्रयोग जरूर करना चाहिए, ताकि उनके आने वाले एग्ज़ाम में उनको अच्छा रिजल्ट मिले। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो और इसमें दी गई जानकारी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।